रविवार रात को टोंस नदी में गिरी पिकअप को आखिर खोज लिया गया है। दुखद ये है कि अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग ही नहीं मिला है। दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप को टोंस नदी की गहराई में ढूंढने की सफलता एसडीपीओ चौपाल राजकुमार को मिली है। डीएसपी राजकुमार ने स्वयं गहरे पानी में गोताखोर लगाकर यह साहसिक कार्य किया है, जिससे इस जाबांज पुलिस अफसर के चर्चे हैं और लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। बता दें कि रविवार रात को सेब से लदी एक पिकअप गुमा के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर टोंस नदी में समा गई थी, जिसमें तीन लोग सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति का शव नदी के किनारे रेत पर पड़ा मिला था, जबकि दो अन्य व्यक्ति अभी तक लापता हैं। पिंजौर से आया 12 सदस्यीय दल और चौपाल का प्रशासनिक अमला लापता लोगों की तलाश में सोमवार सुबह से ही जुटा हुआ है, परंतु उनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। उधर राजकुमार के इस बहादुरी पर लोगों ने उन्हें सम्मानित करने की मांग की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पुलवाहल से सुरेंद्र मामटा की रिपोर्ट। धन्यवाद हिमाचल, हमें नंबर वन न्यूज चैनल बनाने के लिए। 3 करोड़ साप्ताहिक व्यूज के साथ हम है हिमाचल की पहली पसंद। ऊना से मैं विशाल शांडल्य और इस जिला में आपने दिया है हमें भरपूर प्यार। मैं निष्ठा के दास लटकांगड़ा की जनता का। सिरमौर से सतीश शर्मा को भी मिला है आपका साथ। कुल्लू से मैं मनीष ठाकुर हरदम हूँ आपके लिए तैयार। मैं हूँ संवाददाता ऋषभ महेंद्र, जो कि चंबा जिला के कोने कोने की अपडेट आपके बीच रोजाना साझा करता हूँ। पालमपुर से मैं हूँ शालिका ठाकुर, देती हूँ हर पल की अपडेट। मंडी से कोमल भारद्वाज के साथ होती है आपकी रोज मुलाकात। बिलासपुर से मैं सुभाष ठाकुर, आपके सरोकारों के लिए हम समय मुस्तैद। हमीरपुर का हर एक समाचार शिवम शर्मा पहुँचाएगा आपके घर द्वार। राजधानी शिमला से हम हैं प्रदीप, राजीव, विक्रांत और देवी और सज्जनों। सोलन हेड ऑफिस से मैं हूं उकुलदेव रक्षपति, आपके सलाहकारों के लिए हर दम मुस्तैद। हम है लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का नंबर एक न्यूज चैनल। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।